कोटड़ा के संदर्भ में जहरीला सांप नजर आया, जहां दिखने पर मचा हड़कंप, साथ ही रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। कोटड़ा के संदर्भ गांव में सांप निकलने से मचा हड़कंप, जहां रेस्क्यू कर स्नेक स्कैनर ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा। यहां बारिश के दिनों में कई जगह पर जहरीले जीव जंतु बाहर आ रहे, जिसको सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जा रहा। कोशिश करवा रहे हैं, ये देखो ठीक है, बैठने दो इसको, लाओ कट्टा लाओ फटाफट। ये देखो ये इस कट्टे में तो काम नहीं आएगा यार मेरा, ये कट्टा अलग बीजु कट्टा ना था अपन है वो कट्टू। ये देखो ये हम तो इधर खड़े हैं और इनको ले, मैं इधर चले जाता हूं भाई। देखो ये उधर ही देख रहा है भाई साहब, क्या पता इनको पता लग जाता है कि यार बहुत जबरदस्त है ये। थैंक यू, इतना ही कहना चाहूँगा। और कोई भी ऐसे सांप घुस जावे तो परिषद में रहते हैं, बनवासी कल्याण परिषद में भाई साहब शंकर जी न्यावास से हैं, उनको संपर्क करें, सांपों को मारे नहीं। और थैंक यू। नहीं आएगा, हमारे यहाँ पे सांप घुस गया है भाई साहब, सांप पकड़ने वाले आए हैं, तो अभी देखते हैं कितना बड़ा है। और आए हाय हाय, आपको दिखेगा ये बैठी छोरा हर की बनना, ये देखो ये अंदर है दीवार के अंदर, और भाई साहब ये पकड़ने की पूरी प्रयास करते हुए बहुत गति देखना। अब निकालेंगे बैठी छोरा, देखो बहुत जबरदस्त है, रात का घुसा हुआ था, अभी तक शायद निकलने की तैयारी में है। ये देखो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सांप है यहाँ पे, और देखना ये देखो ये पकड़ लिया। देखो भाई साहब ने, हमारे भाई साहब भी बहुत खतरनाक हैं सांप पकड़ने में, और ये पकड़ते हुए पूरी जाने की प्रयास करते हुए भी सांप भी बहुत ज़बरदस्त है दीवार में घुसते हुए, और सांप ने कुछ पकड़ कर रखी है तो कुछ, वो कुछ खा लिया इसने। ये पत्थर निकालो, ये निकल नहीं पा रहे हैं, ये कोई ज़बरदस्त कोशिश करते हुए हमारे यहाँ पे कटना कपड़ा हाथ लो हन्नी पेरन। एक मिनट रुको, देखो ये भाई साहब कुछ विधि चलाते हुए वो अंदर घुस गए, वो यूं करके प्यार कर रहे हैं सांप को, तो वो निकल जाएगा पूरी प्रयास के साथ। देखो एक हाथ से पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से काम भी कर रहे हैं। हमारे भाई साहब यहाँ से हैं, न्यावास पंचायत के ही हैं, और न्यावास गांव से भी हैं, और आश्रम में कुछ काम करते हैं, और ये भी सांपों की भी पकड़ने की सेवा देते हैं, और बहुत ज़बरदस्त कोशिश करते हैं, प्रयास भी बहुत ज़बरदस्त है उनका सांप पकड़ने का। और नहीं आवे हम तो पंडे रस्तो छोड़ जो खुल लो, बाकी तो सब ठीक है। पूरी प्रयास करते हुए सुबह से नहीं आएगा, मैंने पकड़ा हुआ है, नहीं आया तो वो तो ना हो ही गयो ना, कोई नहीं करने मन हो तारे देते हो जाए, देखो मारवा पूरी प्रयास के साथ, ये भाई मेहनत भी कर रहे हैं और निकलने की, ये कुछ घर में थोड़े बहुत कुछ चिनाई भी अच्छी तरह से करी है, पर कोई ना कोई जगह रह गई है, तो उनको जगह मिल गई है अंदर रहने की और घुसने की, और रात को निकलता है, क्या पता इनको क्या विचार है। तो अब निकलेंगे ये भाई साहब प्रयास करते हुए, बहुत जबरदस्त सांप भी है।
वही फुंसारी करे सो देना नहीं। ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये तो पहले से लगा हुआ है, अभी नहीं लगा, कहीं पहले से लगा हुआ होगा इनको। पूरी प्रयास के साथ कर रहे हैं अपन, वो भी इनके भी जान प्यारी है तो वो अंदर से निकल रहे नहीं है तो पूरी 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 प्रयास इतना, ये इतना खोदा है, खोदने के बाद दीवार में था और घर भी मतलब कच्ची दीवार है, चिनाई की हुई है अपन माटी की रही हुई है यहाँ पे। एक पहली नहीं निकालना अब जब टॉर्च वाले और जब बोलो ना तो जब थोड़े साइड देना मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रयास जारी रखें, हम तो साइड में हो जाएंगे क्योंकि खतरनाक है। हाँ, सांप भी बहुत जबरदस्त है और लंबा भी है और मोटा भी है, क्या पता बुड्ढा तो नहीं है, जवानी दिख रहा है पर हम निकले जब पता लगेगा सबको बताएंगे बाहर निकलने के बाद भी। और एक बैग तैयार रखना, कट्टा कट्टा मैं लेके नहीं आया हूँ तो तैयारी करवा रहे हैं। ए सॉरी, ठेलो के ठेली कोई भी गमे से मोट ठेलो साइज ठेली है तो ठोले को मैं बता दियो कोई बस जोर कह रही थे ब्रो। और बहुत प्रयास आपकी तरफ नहीं आएगा, कर रहे हैं मोटी निकलेगा ऊपर, लेकिन मैंने पकड़ा हुआ आप तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, और एकदम शांत हो गया है, बहुत अच्छा है, जहरीला है ये मालूम है। हाँ, ये करता कुछ नहीं है, इंसान को मार देता है। हाँ, 12 घंटे तक इंसान जीवित रह सकता है। देखो भाई साहब कह रहे हैं कि 12 घंटे तक ही जीवित रह सकता है इंसान, इंसान को अगर ज्यादा जहर फैल गया तो पलंग वलंग पे बैठ गया भाग गया, अरे नहीं जाएगा कहीं, लकड़ी वाली लकड़ी बन गई दूसरी वाली दो। तो ये पत्थर भी देखा मैंने पेशेंट मौके दे रहे तो बहुत, ये ऊपर वाली गिर रही है, ऊपर वाली नहीं गिरानी है, मरने वाला जो अगर मर जाता है वो भी 12 घंटा रहता है जीवित इसमें यूं। सांप ने काटा हुआ मालिक 12 घंटा तक जीवित रहता है, लेकिन उसमें फिर अपने सोच अपनी ऐसी होती है कि अपने को भागना पड़ता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास अपन जाते नहीं है, अपन जाते देवाड़े भोपाड़े के पास, लेकिन देवाड़ा भोपाड़ा छोड़ के मैं अपने को डॉक्टर के पास सबसे पहले जाना है। भाई साहब को कहना है कि सांप को काटने के बाद भी 12 घंटे मतलब इंसान जीवित रहता है, पर अपने आदिवासी लोग ऐसे हैं कि पहले कोई भोपाले होपाले करने के लिए उधर कोई जाड़ा जपटा वाले के पास चले जाते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाने से उनकी मौत हो जाती है। तो इसमें इतना कोई ज़्यादा जहर नहीं होता है, जहर से ज्यादा हार्ट अटैक से लोग मरते हैं। हाँ, मतलब भाई साहब का डर के मरते हैं। शंकर जी का कहना ये है कि इसमें कोई इतना तो जहर नहीं होता है, जहर तो होता ही है लेकिन इतना नहीं होता है, परंतु ये अपने लोग डर के मारे ज्यादा हार्ट अटैक से मरते हैं, हमने मेरे को सांप ने काट दिया यूं करके तो वो इस वजह से मर जाते हैं, इसमें जहर होता है पर तो भी इतना नहीं होने की वजह से 12 घंटे तक इंसान जीवित रहता है। देखो ये पूरी दीवार खोद डाली है इधर से इधर करते हुए, ये पत्थर लगे नहीं और उसको भी लगे नहीं, देखो अब निकलेगा बहुत जबरदस्त। तो वो थोड़ी थोड़ी निकल दे, ये धीरे धीरे ऊपर वाले ने गिरने वाले रो तो पैर में जा रहे थे, करो 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 इधर से जगह करने दो मेरे को। हां,
देखो ये बहुत देखो ये पूरी प्रयास करते हुए अब निकल जाएगा। ये देखो ये निकल दिया है, बहुत जबरदस्त सांप है। ये देखो फुसली वाला है, बहुत खतरनाक बाहर ले जाते हुए। देखो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कुछ नहीं करने का जबरदस्त। देखो देखो ये बहुत बड़ा है सांप, और पूरी कोशिश करता है कि है मैं टोपी, किसी के पास टोपी, कोई काला कपड़ा, काला कपड़ा तो मैं टोपी लेके नहीं आया। अरे यार काला कपड़ा तो नहीं है, सुरान ना फेटो माहो। अरे कुछ भी दे दो मेरे को, ये छड्डा ही दे दो, छड्डा दे दो, छड्डा दे दो, इधर अटका दो। अरे अरे अटकाने का बोल रहा हूँ तो यार, इतना भाग रहे क्यों? देखो यार वो चड्डा वापस धो देना। हाँ बिल्कुल, पूरी प्रयास करता हुआ वो देखो भागने के चक्कर में है। और देखो वो कैसे फोन चला रहा है, देखो 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 ये, और ये देखो बहुत जबरदस्त तगड़ा है भाई। ये कोशिश कर रहा है कि वो उसको पकड़ने की, वो देखो कैसे फोन मार रहा है यार, बहुत ये भी जबरदस्त है इंसान। इंसान का कहते हैं लोग, इंसान का दूसरा रूप ये होता है, उनको मतलब कुछ कोई कोशिश कर रहे हैं पकड़ रहे हैं तो इसको एक मोबाइल में ले लो, पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखो सोने के बाद वो देखो यूं करके कोई न कोई क्या पता वैसा शंकर जी कुछ न कुछ कर रहे हैं उनको पकड़ने की, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। और वो छोड़ दिया है अंदर से बाहर तक, अब देखो उनको कोई न कोई अटकल से कोशिश करते हैं कि कैसे क्या करना है, इसको कैसे नहीं करना, तैयारी करवा रहा है। और पकड़े या नहीं पकड़े वो तो इनकी वजह से ही वो करेगा कुछ न कुछ, और तैयारी के साथ। बहुत ख़तरनाक सांप भी है, देखो ये तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहे हैं। अब अंदर नहीं जाना है। देखो ये बहुत तगड़ा सांप है, कम से कम इनको कहते हैं ना, किसी को पकड़ना है तो आ जाओ। भाई साहब ये सब हम देखने के लिए कितनी बहुत जबरदस्त भीड़ हो रही है। ये लो एक कट्टा लो, मेरा रोमा कट्टा मेरे घर पे है। मेरा नाम पवरलाल खेर, सोनद्रप से हूँ, और वहाँ से ये इसको पकड़ रखा है। और बहुत रात से उधर नहीं आ रहे, तेरे पास नहीं आ रहे, बैठ जा, बैठ जा। घुसने की तैयारी कर रहा है, इनको मतलब बांध दिया है। देखो अब खेलना है, खेल सकते हो, पकड़ सकते हो। नहीं नहीं कुछ नहीं, हमको तो करना है बाबा। चलो हो गया है, चलो अंदर, बस चलो अंदर हो गया, चलो बहुत हो गया। तैयारी के साथ पकड़ा है भाई साहब ने, तो कट्टे भी ऐसे ही रखेंगे ना, मोटो ठेलो है ही नहीं था मेरे में, मैं ठेलो आपने मोटो हमेशा कट्टे रखता हूं मैं, लेकिन आज ही लेके नहीं आया वो इमरजेंसी। सॉरी ठेलो आने धूं ले भी है, सर ठेलो ना मां गेम में चल रहा मोटो, बहुत ये देखो नहीं खतरनाक, बाप रे ये पकड़ रखा भाई साहब ने, ये होपली भी चढ़ा रखी है। हमको तो बहुत इतनी जबरदस्त डर लगती है कि ये तो भाई इनको भाई साहब को दिखा थोड़ा, खड़े हो जाओ, लो घुमो। ये देखो ये बहुत बड़ा है, ऊपर करा है, देखो कम से कम ये डर लगता है हमको तो, पर भाई साहब शंकर जी तो ऐसे खतरनाक है तो सांप को भी पकड़ लेते हैं, और बहुत प्रयास करते हैं सांप पकड़ने का, और लोगों के घरों में घुसते हुए भी सेवा करते हैं। बहुत बहुत शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सांप को लेके तोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, थैंक यू। और कोई भी मतलब सांप कहीं भी घुस जावे अपने घरों के अंदर और कहाँ भी घुस जाए तो शंकर जी से संपर्क करें, और अपने वनवासी कल्याण परिषद में रहते हैं और न्यावास के हैं उनको संपर्क करें, और इनको कुछ गा नहीं देवें और मारने की कोशिश ना करें, इनको जंगल में छोड़ देंगे।
थैंक यू वेरी मच सभी को, थैंक यू। बस इतना ही कुछ कहूँगा, थैंक यू, थैंक यू। कोई नहीं है।